टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर द इंडियन गवर्नमेंट एक्सरसाइजेसाइजेज नो क्वेश्चन टेरेटरीज इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज की बात है तो अगर हम करेंट इयर की बात करें दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड में इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं बेटा एट पर अगर आपका टीचर बुक के हिसाब से पढ़ा देता है ओल्ड फिगर पढ़ा देता है तो आपको क्या लिखना है सेवन यूनियन टेरिटरी पहले इंडिया में सेवन यूनियन टेरिटरी थी पर 2020 की अगर हम बात करें तो आज अभी कौन सी कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है एट पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी हाउसेस टू हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा

प्रेसिडेंट इज़ दैड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट द विधानसभा इज द विधानसभा इज़ द हाउस ऑफ स्टेट विधानसभा क्या है लोअर हाउस विधानसभा क्या है बेटा लोअर हाउस विधानसभा इज़ द लोअर हाउस देर आर हाई कोर्ट्स इन इंडिया फिर बात होगी अगर करंट की बात करें तो ट्वेंटी फाइव और अगर आपकी बुक के हिसाब से चलें तो ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी की अगर हम करेंट की बात करें तो कितने हाईकोर्ट से बिठा ट्वेंटी फाइव पर आपकी बुक में कितना लिखा है ट्वेंटी वन तो अब आपके टीचर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कौन सा पढ़ाती हैं ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है चूज द करेक्ट आंसर येस इंडिया हैज हाउ मैनी स्टेट्स अगर बुक के हिसाब से देखें तो ट्वेंटी नाइन पर करेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो कितने स्टेट हैं बेटा ट्वेंटी एट ठीक हो गई बात ओल्ड फिगर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी के पहले कितने स्टेट हुआ करते थे ट्वेंटी नाइन क्लियर होगी बात पर अब कितने हैं ट्वेंटी एट द राज्यसभा इज द लोअर हाउस राज्यसभा इज द लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा इज द अपर हाउस लोकसभा इज लोअर हाउस लोक लोअर लोक लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा क्या है बेटा अपर हाउस है क्या है बच्चा अपर हाउस ठीक कोई बात फिर हम बात करते हैं थर्ड ईच स्टेट इज हेडेड बाय जैसे कंट्री को हेड करने वाला होता है प्रेसिडेंट वैसे ही एक स्टेट को हेड करने वाला होता है गवर्नर कौन हेड करता है किसी भी स्टेट को गवर्नर क्लियर है अच्छा देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इंडिया में कितने लेवल है गवर्नमेंट की थ्री दैट इज सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है हमारा तो न्यू डेली में कहाँ लोकेटेड है बेटा न्यू डेली क्लियर होगी बात सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू डेली ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द कॉलम सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हेड करता है स्टेट गवर्नमेंट का कौन होता है चीफ मिनिस्टर लोकसभा पार्लियामेंट हाई कोर्ट ट्वेंटी वन पर करेंट में कितने हैं ट्वेंटी फाइव तो अगर आपकी मैम अपडेशन करा के पढ़ाए तो ट्वेंटी फाइव बिना अपडेटेड पढ़ाए तो ट्वेंटी वन सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया कोई पूछता है आपकी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर होता है लोकसभा पार्लियामेंट का एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का और हाई कोर्ट का नंबर आपकी बुक में ट्वेंटी वन दिया है ओल्ड फिगर बट न्यू इज ट्वेंटी नाउ अनस्क्रैम्बल वर्ड सो फर्स्ट अनस्क्रैम्बल इज देयर आर ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी एट स्टेट क्या है ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी एट स्टेट पुराने हिसाब से ट्वेंटी नाइन नए हिसाब से ट्वेंटी एट ठीक है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोअर हाउस कौन सा है बेटा लोकसभा लोअर लोअर हाउस हाउस लोकसभा ठीक हो गई बात Lower house क्या है द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक दिस फॉर द होल कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो पूरी कंट्री के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं अब बात करते हैं स्टेट तो तो है का नॉमिनल हेड कौन है था था? था था। था तो बेटा स्टेट का नॉमिनल हेड होता है कौन होता है गवर्नर कौन होता है बेटा नॉमिनल हेड गवर्नर ठीक होगी बात नॉमिनल हेड स्टेट का गवर्नर है और सेंटर का प्रेसिडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए लॉ बनाती है हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी है एक स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी है हाई कोर्ट सी ओ यू आर टी हाई कोर्ट क्लियर हुई बात इस चैप्टर की एक्सरसाइज बस इतनी ही है